जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं, खुर्रम शहज़ाद, एक बहुत बड़ा नाम, सीनियर सहाफ़ी, कराची प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, एक तज़िया निगार भी कह सकते हैं आप, हर बात को बड़ी बारीकी से देखते हैं। लांडी और कुरंगी के रिहायशी हैं, मैं भी लांडी और कुरंगी का रिहायशी हूँ। एक मसला जो है सबसे बड़ा वो हमारे साथ ये है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो इस तरह हमारी लांडी कुरंगी की आवाम पे इसका क्या असर हो रहा है। सब्ज़ी के रेट आप देख सकते हैं कहाँ जा रहे हैं। जिस शहर में लौकी जो है वो 200 रुपये किलो भी बिकेगी, भिंडी 240 रुपये किलो बिकेगी, तो एक 15 से 16 हज़ार रुपये कमाने वाला जो शख्स होगा वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा। खुर्रम भाई हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे इनसे। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एपी न्यूज़, और आपने बहुत अच्छा आज चुना टॉपिक। सब्ज़ियाँ और महंगाई, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे मामला जो है ना वो इस पे परेशानी का शिकार हैं, और बिलखसूस वो लोग परेशानी का शिकार हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आवाम 80% वो आवाम है जो डेली वेजेस पे फैक्ट्रीज़ में और यूँ कह लें कि जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर वो काम करने वाले अफराद हैं, उनके लिए इतनी महंगी सब्ज़ी ख़रीदना मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना ये मुमकिन है। अगर बात की जाए कराची के बाकी इलाकों की, तो शायद जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट साउथ है, सेंट्रल है, उसमें थोड़ी सूरत हाल डिफरेंट है, लेकिन अगर कुरंगी और लांडी की बात की जाए तो ये बड़ा ही अफसोसनाक और बिलखसूस मैं कहता हूँ अलमनाक उन लोगों के लिए है कि जो डेली रेट लिस्ट तो भेजते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाते। अगर बात की जाए रेट लिस्ट की, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके इलम में होगा, एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है और शहरियार गुल मेमन साहब इसके कुरंगी को हेड कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को हाईलाइट नहीं किया, कभी उन्होंने इस बात को तरजीह नहीं दी कि मैं इलाकाई मसाइल जाके देखूं या उनके हल के लिए कोशिश करूं। अभी रिसेंटली एक छोटा सा वाकया बयान कर देता हूँ जो लांडी कुरंगी के लिए बड़ा अहम है। हो सकता है कि ये थोड़ा मौजू से अटके हो, लेकिन ये इंतहाई अहम इसलिए है कि अभी बारिशों का मौसम था, बारिशें आई, कराची पूरा जो है ना एक अजीब ही सूरत हाल थी, लोग परेशान थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था। अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लोगों ने इसके लिए भाग दौड़ की, मदद की, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन यकीन जाने सरकारी मशीनरी कहीं नहीं नज़र आई। मैं अपनी ज़ात की, अगर मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैंने सड़कों पे देखा लोग अपनी मदद आपके तहत पानी निकाल रहे थे और जनरेटर ला के किसी तरीके से वो पानी को डिस्पोजल करने के चक्कर में थे, लेकिन मुझे सरकारी इंतज़ामिया कहीं भी, वो चाहे लांडी हो कुरंगी हो, नज़र नहीं आई। और सब्ज़ी तो देखें, ये तो एक रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत है, और अगर इस पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, और इतनी बुरी सूरत हाल हो चुकी है। अभी बिजली की सूरत हाल अभी एक कम नहीं, एक जिन काबू में नहीं आता और दूसरा जिन जो है ना बेकाबू हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, प्लीज़ खुदारा एपी न्यूज़ के तवसल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मसले को समझें और इस मसले का हल निकालें। लांडी कुरंगी की आवाम आपकी अपनी आवाम है, ये भी कराची के शहरी हैं, ये भी वही टैक्स देते हैं जो DHA या बाकी जितने पोश एरियाज़ हैं वहाँ के रहने वाले देते हैं। खुदारा इस बात को समझें। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खुर्रम शहज़ाद, जो हकीकत बयान कर रहे थे कि इस टाइम लांडी कुरंगी की आवाम का क्या हाल है। कभी वो ज़िम्मेदारान जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जो इलाकाई लोग हैं उनको विज़िट करें, उनके इलाकों को विज़िट करें, उनकी शॉपों को विज़िट करें कि उनके साथ क्या मामलात हैं, कभी इस बात को जाकर देखें कि एक 500 रुपये कमाने वाला शख्स वो 500 रुपये की अगर सब्ज़ी ख़रीद लेगा तो अपने बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएगा, वो अपने बच्चों को स्कूल कहाँ से भेजेगा, वो उसके सारे ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा। हमारी कोशिश नाज़रीन सिर्फ ये होती है कि वो सच्चाई जो आवाम के ऊपर गुजर रही है वो आपके सामने लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसके साथ अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।